अनुदेशकों के केस की कल फिर 27 जुलाई को सुनवाई है और मुझे उम्मीद है मां सरस्वती पर विश्वास है कि किसी न किसी की जीत पर विराजित होंगी और कल एक अच्छा फैसला होने की उम्मीद दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एपी सिंह सुबह कोर्ट में इलाहाबाद पेश होंगे, अनुदेशकों का पक्ष रखेंगे। हालांकि जिस तरीके से इस केस की सुनवाई के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है वो बड़ी चौंकाने वाली और अचंभित कर देने वाली है, लेकिन चलिए आप भी अपने मनसा पे बने रहिए, हम हैं सुरेंद्र सर हैं वो, हम भी अपनी जिम्मेदारी बराबर निभाते रहेंगे। अगर आप लोग भी बहुत अव्वल दर्जे के आदमी हो तो हम भी अव्वल दर्जे के आदमी, बहुत बातें करने के लिए बहुत बातें हैं। मौजूदा दौर में सरकार में भी बड़ी चर्चा है इन सब मामलों की, अनुदेशक को लेकर, शिक्षा मित्र को लेकर, और सरकार भी चाहती है कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन होगा कब ये तो तय सरकार को करना होगा। मेरे साथ इस सब पर बातचीत करने के लिए रोज की तरह आदरणीय सुरेंद्र भाई जुड़ चुके हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सीधा एक छोटा सा सवाल करता हूँ क्षमा चाहते हुए। सर कोर्ट में कल इनकी सुनवाई है तो मेरा तो बस उस परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करने का रह गया है, सरकार से तो लगातार गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, आवाज पहुंचा रहा हूँ और चर्चा है सरकार में। आदरणीय सुरेंद्र सर की आवाज में गूंज रही है सबके कानों में, एक कोई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है बैठ जाते हैं शाम को 2 घंटे खराब करते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ घरों के चूल्हे जल जाए, इसलिए नहीं कि हम देश में भाई बहला फैलाए, सर तन से जुदा नहीं कराएंगे, हम पेट की रोटी की चर्चा करेंगे। हमें नहीं मतलब है कौन ईडी उठा रही है, कौन को ईडी ले जा रही है, हमें चिंता है तो इन 8-10 लाख कर्मचारी की कि इनके पेट का भोजन कैसे चलेगा। हमें नहीं चिंता है कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश में कब अनबन हो जाएगी, हमें नहीं चिंता है कि मायावती ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ रखेंगी कि नहीं रखेंगी, हमें नहीं चिंता है कि योगी आदित्यनाथ मंत्री कब बनाएंगे ओम प्रकाश राजभर को या शिवपाल को कब नेता सदन बनाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो ये 10 लाख परिवारों की जिनके घर में दिए जल सके। डिबेट करने के लिए बहुत मुद्दे हैं लेकिन यही 3 मुद्दे पर हम और आप जमे रहते हैं कल इनकी सुनवाई। लेकिन मुझे विक्रम सिंह से मेरा सवाल है, कल आपकी सुनवाई है, बहुत परेशान है ट्रांसफर को लेकर, ऐसा नहीं है डेट बाई डेट मिले, लगातार बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि बीच में ग्रीष्मकालीन अवकाश से केस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। जी विक्रम सर, ट्रांसफर के मुद्दे पे आज हमारी फिर बात हुई है आदरणीय संदीप सिंह जी से, तो उन्होंने कहा है कि हमने दीपक कुमार जी को भी बोल दिया है और विजय किरण आनंद जी को भी बोल दिया। जी से बात हुई संदीप सिंह जी से आज सर बात हुई जी आदरणीय वही सर मैं कहता हूँ संदीप सिंह जी इतने मतलब अभी तक जितने बेसिक शिक्षा मंत्री हुए हैं सब में ये सर भी इस बात पर तारीफ कर रहे थे, वो मैसेज दिया था उन्होंने और कल्याण सिंह जी उनके पुराने साथी हैं आज उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, कल्याण सिंह जी अगर कुछ बात आती थी तो बाकायदा सुरेंद्र सर प्रमोद सर को बुलाते थे बैठ के बात करते थे क्या मसला है, और मुख्यमंत्री का ये चरित्र होना चाहिए, आदत होनी चाहिए कि पत्रकारों से समाज के सामाजिक लोगों से मिल बैठ के बात करते हैं तो निचले जो तबके की बात होती है वो ऊपर तक आती है, उबल के आती है कि चलिए फला अधिकारी ऐसा है वो बिना पैसे के काम नहीं करता, ये पत्रकार लोग ही बताते हैं, नेता है वो नीचे दलाली का काम करता है क्योंकि पत्रकार नहीं रहता है वो मुख्यमंत्री है, किसी के सामने अपनी क्या है कुछ एक अच्छा रास्ता मिलता है। तो विक्रम सिंह अब बताइए आप, तो वही सर आज हमारी वार्ता हुई है उन्होंने से, उन्होंने वो काफी समय देते हैं सर, लगभग 3 से 3.5 मिनट वार्ता हुई, तो वही मैं कह रहा था अभी तक जितने बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं उसमें माननीय संदीप सिंह जी की एक अलग प्रकार की शख्सियत है, ये बातों को सुनते हैं, फोन को उठाते हैं, फोन को रिसीव करते हैं, आपकी पीड़ा को सुनते हैं, और उन्होंने कहा कि आपके ट्रांसफर के लिए दोनों ट्रांसफर जनपदीय अंतर जनपदीय दोनों के बारे में उन्होंने कहा है कि मैंने दीपक कुमार जी को और विजय किरण आनंद जी को बोल दिया है, आपकी प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, हमारी एक एक आपकी एक एक पीड़ा को हम लोग जानते हैं, आप लोग परेशान नहीं होइए सर। तो वही मैं माननीय संदीप सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो सर जो आपसे बात हुई इसके बाद मेरी वार्ता हुई थी आपसे, जहाँ भी जिसका मौका लग रहा है वहाँ से मैसेज दिला रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आवाज जो उठ रही है वो खाली नहीं जाएगी, और ये आपका लग रहा है कि पिछली बार भी चुनाव की वजह से जो कुछ हुआ इस बार भी चुनाव की वजह से ही आपको अच्छा बेनिफिट मिलने जा रहा है, और मैं कल मैंने ट्वीट भी किया था शिक्षा मित्र और निदेशक को लेकर, शिक्षा मित्र की भी बड़ी चर्चा है और अब ये समझ में आ गया है कि अगर आप मदद नहीं करोगे और किसी पर आरोप लगाते रहोगे फाइटिंग कार्यकर्ता चाहे वो बीपीएड की भर्ती हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का काम हो या फिर एम्बुलेंस कर्मी हो या फिर ग्राम प्रहरी हो, आप आरोप लगाना, हम उस देश को देखते हैं, हम उस जमीन पर देखते हैं, हम नेताओं की तरह विधानसभा में बैठकर वो नेता भी इस असलियत को जानते हैं, जब चुनाव आता है और गलियों में जाते हैं तो बच्चे
वही उनके बैनर पोस्ट कर भागते हैं, छीन छीन गई। लेकिन वो इस हकीकत को सदन में नहीं कहते, सदन में कहते हैं वो जिला अधिकारी, वो बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो एबीएसए जो उनके सामने ड्रेस पहना के बच्चे प्रस्तुत करते हैं, वही कल्चर वो पेश करते हैं कि हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान से हमने इतने बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई। कभी वो जमीन की हकीकत नहीं दिखाते कि कितने बच्चों पर कपड़े नहीं है। बच्चों पर कपड़े तब होंगे जब उनके माँ बाप पर कपड़े होंगे, माँ बाप पर ही कपड़े नहीं है। किसी के पाँव में चप्पल नहीं है तो किसी के सर पर टोपी नहीं है। आज भी हम उसी भारत में जी रहे हैं। टेक्निक में हम कितने ही आगे चले जाए, हमने कभी जमीन पर जाके नहीं देखा। और आप तो हुजूर खुद कह रहे हो कि 83% जनता हमने। ये मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ मिश्रा के आंकड़े नहीं है, स्पेशल कवरेज न्यूज के आंकड़े नहीं है, सुरेंद्र सर के आंकड़े नहीं है, यहाँ आंकड़े आपके दिए हुए हैं कि 83% ये वो याद इतना बड़े तेज मन से कहते हैं कि हम 15 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराते हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। फिर भी आप कहते हैं कि हम बदलते भारत की ओर चल रहे हैं। जी विक्रम सिंह सर, हम लोग तो देख रहे हैं सर, अपने विद्यालय में बच्चों के पास पेंसिल नहीं होती है सर, कलम नहीं होती है, कॉपी नहीं होती है, पैर में जूते नहीं होते हैं सर। हमने सर एक निशुल्क बैंक चलाया हुआ है, अपने विद्यालय के बच्चों को समाज के सहयोग से बच्चों को पेंसिल, रबर, कटर, कॉपी उपलब्ध करवाते हैं सर। किसी के पैर में चप्पल नहीं होता है, उसको चप्पल की भी व्यवस्था कराते हैं सर। इतनी पीड़ा है सर, ये बताने के लिए शब्द नहीं है सर। और वास्तव में इसको हम लोग देखने का कार्य करते हैं। ये फर्जी आभा मंडल बनाकर, ये पूरे देश में जो फर्जी आभा मंडल बना दिया गया है सर, अरे मैं तो कहता हूँ कि जरा एसी कमरों से निकलकर उस विद्यालय में आओ, उस गांव में घूमने का कार्य करो। आप देखते हैं सुबह जब बच्चे सर आते हैं तो वो भोजन करके नहीं आ पाते हैं सर, उनकी माता पिता उनको भोजन नहीं करा पाते हैं, वो स्कूल के एमडीएम के इंतजार में रहते हैं सर। और जैसे सर घंटी बजती है वो थाली लेकर एक दूसरे को धक्का देते हुए सबसे पहले पहुंचने का कार्य करता है कि पहला रोटी हमको मिले, ये हम लोग देखने का कार्य करते हैं सर। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी भले बातें करें, अरे जरा एसी कमरों से निकलकर उन विद्यालय में जाओ, उस गांव में जाओ, तब आपको समझ में आता है सर। तो सर मैं वही बता रहा था, जो भारत सरकार ने जो 45 पेज का अपना काउंटर लगाया है सर 17,000 के मुद्दे पे, वो 2017-18 से लगातार 21-22 तक उसमें बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बजट मांगा, हमने इतना बजट दिया। और सर जून में ऑडिट होती है सर, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट मिला है वो अनस्पेंट दिखाया गया है सर। अब आप देखिए, अनुदेशक को पैसा नहीं दोगे, कहोगे पैसा नहीं है, भारत सरकार पैसा नहीं देती है, और भारत सरकार जो पैसा देती है उसको आप खर्च नहीं कर पाए हो अभी तक। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये भारत सरकार ने जो 45 पेज का काउंटर लगाया उसमें है सर। उसमें जून में जो ऑडिट होता है प्रतिवर्ष, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अनस्पेंट दिखाया है, मतलब जो भारत सरकार ने पैसा दिया उसको उत्तर प्रदेश सरकार खर्च ही नहीं कर पाई है। और कहते हैं कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही, हम कहां से उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को पैसा दे। तो इस प्रकार की बातें अनुदेशकों के साथ हो रही है। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार अपना चेक वापस ले ले और पत्रकार का आदेश जारी करे, कहे कि हम अनुदेशकों को 17,000 देने को तैयार है, और 17,000 तो हमको 5-6 साल पहले मिलना चाहिए था, 17,000 तो 6 साल पहले मिलना चाहिए था, आज तो 17,000 भी ना काफी है, आज 17,000 में हमारा क्या होगा। और भारत सरकार ने जब स्वयं 24,000 न्यूनतम मानदेय या न्यूनतम वेतन की बात कही है, पहले 17,000 ले लो, 24 में मत भागो, अभी 17 पे ही बने रहो। विक्रम से संपर्क टूट गया है। पवन कुमार, अभी जैसे विक्रम जी कह रहे थे, लगातार कोर्ट केस कचहरी सब अपने अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं लड़ रहा है, लेकिन इस देश की विडंबना है कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा है, हर व्यक्ति जो राजनीति में आता है वो अंतिम पायदान के की बात करता है, लेकिन अंतिम पायदान के व्यक्ति को मिलता कुछ नहीं। आखिर क्यों, चाहे वो ग्राम प्रहरी हो। हालांकि एक अच्छी खबर आपको बता दें कि कोर्ट से 2004 बैच के विशिष्ट बीटीसी जीत गए हैं। सुरेंद्र सर, एक और बड़ी अच्छी खबर है आपके लिए, 2004 बैच के उनकी नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं। वो जो हमारे साथ वंदना जी जुड़ती थी, उनका पूरा ग्रुप 2014-04 वाला
ग्रुप जीत गया विशिष्ट बीटीसी वाला, मैं उनको बधाई देता हूँ कि चलिए आवाज उठती है तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी में असर आता है। ये बोर्ड के लोग, जज,